ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 का प्रथम महीना जनवरी कैसा जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में, यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। कर्क राशि वाले जातकों, इस राशि फल के दौरान हम सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी आपके ग्रहों के गोचरी स्थितियों के आधार पर देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान कर्क राशि वाले जातकों को चार ऐसे मुख्य बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप साल 2021 के प्रथम महीने में अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए जीवन में हर क्षेत्र में विशेष सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो राशि फल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको जानकारी ग्रह स्थितियों की दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि को नियंत्रित रखने वाले जो देव होते हैं वो चंद्र देव होते हैं, और चंद्रमा ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। महीने में जब चंद्रमा छठवें, आठवें और बारहवें भाव में गोचर में जाते हैं तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो जनवरी की शुरुआत में चंद्रदेव आपके राशि से पंचम भाव में रहेंगे और चंद्र के साथ केतु और मंगल भी गोचर में रहने वाले हैं। मंगल देव 16 जनवरी 2022 तक आपके राशि के पंचम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात आपके राशि से छठवें भाव में चले जाएंगे। राशि के छठवें भाव में सूर्य शुक्र की युति रहने वाली है। आपके राशि के अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति गोचर में रहने वाले हैं। शनि और बुध राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। राहु देव आपके राशि से 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर जो मेजर ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो नहीं बदलेगी, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों जरूर होगा, जिसको हमने इस राशि फल में समावेश किया है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये जो जनवरी का महीना रहने वाला है आपके लिए कैसा जाएगा। तो इन सभी का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। राशि के दशम भाव से व्यक्ति के करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि, कीर्ति और दैनिक रोजगार का विचार किया जाता है। और आपके राशि के दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो स्वराशिगत होकर राशि से पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में गोचर में रहने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि माह के मध्य में मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, परंतु यहां पर जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए है आत्मविश्वास भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही है। करियर के क्षेत्र में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए हर अवसर बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति और उत्साह की परिपूर्णता रहने के कारण यदि पूर्व के समय से करियर के क्षेत्र में आपको लगातार उतार चढ़ाव और तनाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही थी, वह जीवन से दूर होती हुई नजर आ रही है। संघर्ष की स्थिति आपके मन में इतनी तीव्र रहेगी कि परिणाम भी आपको जीवन में करियर के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर देखने के लिए जरूर मिलेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र की स्थितियां राशि के सप्तम भाव में आने के कारण
यहाँ पर आपके जीवन में कई प्रकार की संभावना देखने के लिए मिल रही है। जल्दबाजी में कर्क राशि वाले जातकों को कार्य करने से जरूर बचना चाहिए। वहीं विदेश से जुड़े हुए कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उनको विशेष रूप से सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। राशि के सप्तम भाव में कर्म फल प्रदाता शनिदेव बुध के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में मौजूद है, तो कर्क राशि के ऐसे जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ संगीत साहित्य के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं, वो काफी ज्यादा लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातक और करियर के क्षेत्र में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों को मान सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। करियर भाव के स्वामी 16 जनवरी को राशि के सिक्स हाउस यानी रोग भाव में चले जाएंगे, तो यहां पर आपके अंदर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो यदि आप बड़ा निवेश करने के लिए करियर के क्षेत्र में योजना बना रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए और विशेष अपनी जन्म कुंडली को देखकर ही बड़ा निवेश जरूर करना होगा। धन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो धन भाव के स्वामी आपके लिए सूर्यदेव राशि से छठवें भाव में शुक्र के साथ धनु राशिगत होकर गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं राशि के 11th हाउस में राहु देव गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो आर्थिक जीवन रहने वाला है, वो माह के मध्य तक मिला जुला रहेगा और उसके पश्चात आपको विशेष सफलता धन को लेकर देखने के लिए जरूर मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में कम कार्य करने के बावजूद भी लाभ की प्राप्ति ज्यादा होती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ करियर के क्षेत्र में यदि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं या आपका व्यापार है, तो उसमें आपको विदेश से बेहतरीन लाभ दिखाई दे रहा है। यदि विदेश में आप व्यापार कर रहे हैं, तो लाभ की स्थितियां काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। लाभ के साथ साथ माह के मध्य में खर्च भरी स्थितियां काफी ज्यादा निर्मित होंगी और यह खर्च आपके लिए भौतिक सुख की चीजों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपको प्रेम जीवन की जानकारी दिया जाए कि जनवरी के महीने में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। इस भाव में मंगल देव माह के मध्य तक प्रेम भाव के स्वामी होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और प्रेम के कारक शुक्र राशि के सिक्स हाउस में रहने वाले हैं। तो यहां पर माह के मध्य तक प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से नोक झोंक, वाद विवाद, गलतफहमी भरी स्थितियां निर्मित हो सकती है। वहीं प्रेम जीवन में संलग्न जातकों के अंदर कामुकता का भाव भी काफी ज्यादा निर्मित हो सकता है। इसके कारण कहीं न कहीं प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए स्थितियां प्रतिकूल होगी, तो अपने आवेग पर आपको नियंत्रण और संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए आप उत्सुक हैं, तो विशेष सावधानी जरूर रखें। इस महीने वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव परम शत्रु वैवाहिक जीवन के मामले में माने जाते हैं। शनि जब गोचर में सप्तम भाव में आते हैं, तो या तो कर्क राशि वाले जातकों के पार्टनर के साथ वाद विवाद करवाते हैं, या दूरियां निर्मित होती है, या तलाक भरी स्थितियां निर्मित होती है, या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर खराब स्थितियां निर्मित होती है। तो यहां पर जो आपके लिए जनवरी का महीना रहने वाला है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कहीं न कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव भरी स्थितियां निर्मित हो सकती है। संतान के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति तय होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं परिवार के दृष्टिकोण से यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, तो राशि के चौथे भाव से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से सप्तम भाव में गोचर स्थितियों में रहेंगे और छठवें भाव में ही शुक्र की स्थिति रहेगी।
पारिवारिक जीवन देखिए आपका इस महीने बेहतर नहीं रहेगा। कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों में अलगाव भरी स्थितियां निर्मित हो सकती है, व्यर्थ का बहस भी निर्मित हो सकता है। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी दिखाई दे रहा है। इसमें अपने संबंध को आपको बेहतर रखना है। पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को समन्वय बनाकर जिम्मेदारियों को लेकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भाई बहन और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सावधानी जरूर बरतें। हालांकि यह स्थितियां ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, जनवरी के प्रथम हफ्ते में देखने के लिए मिलेगी। वैसे आपका पारिवारिक जीवन इस महीने बेहतरीन कहा जाएगा। यदि आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो महीना रहने वाला है, कहीं न कहीं केतु मंगल की स्थिति पंचम भाव में बनी हुई रहने के कारण व्यर्थ का भटकाव उत्पन्न हो सकता है। तो अपने विचारों को लगातार बनाकर लक्ष्य के प्रति आपको फोकस होकर इस महीने चलने की आवश्यकता महीने के मध्य तक रहने वाली है। 16 जनवरी के पश्चात स्थितियां आपके लिए बेहतरीन बनी हुई शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगी। यदि आपको सेहत के दृष्टिकोण से जनवरी की जानकारी दिया जाए, तो राशि के छठवें भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो राशि से अष्टम भाव में जाकर गोचर में मौजूद है और राशि के छठवें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं बना हुआ है। तो कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से तनाव में वृद्धि, कार्यों का बोझ, पेट में दर्द, अपच जैसी समस्याएं निर्मित हो सकती है। इसके लिए विशेष रूप से क्रियाशील रहने के बजाय अपने जीवन शैली को सुधार कर चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को रहने वाली है। सुबह की सैर पर आप जरूर जाएं, क्रोध पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आपको प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। सेहत को बेहतर और फिट बनाए रखने के लिए, पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। यदि मानसिक रूप से आप सकारात्मक सोचेंगे तो खुद आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। उसके साथ साथ यदि आप जीवन शैली में संगीत, नृत्य, साहित्य विधा को अध्ययन करने का विचार अपने मन में लेकर चलते हैं, तो सेहत में यह भी स्थितियां आपके लिए बेहतर बना सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष रूप से योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाना जरूर चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ऐसे कौन कौन से धार्मिक उपाय हैं जो आप जरूर करते रहें जनवरी के महीने में। उससे पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान जनवरी के महीने में जरूर रखना है। जनवरी के महीने में नकारात्मक मित्र मंडली के साथ या नकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क में आने से जरूर बचें। यदि बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी जरूर रखें। कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मन में चंचलता, घबराहट, अशांति देखने के लिए मिलती है, जिसके लिए आपको धार्मिक उपाय बताएंगे। भगवान शिव की आराधना जरूर करते रहना चाहिए। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत संबंधों की, अपने व्यक्तिगत जीवन की रूपरेखा को जिसको आपने बनाया हुआ है करियर के क्षेत्र में, उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति से बताने से जरूर बचें। अपनी बातों को जल्दी शेयर करने से बचना होगा। चौथा, कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने आलस्य पर ध्यान रखना है। समय प्रबंधन विशेष आवश्यक है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए जिस समय आपने जिस कार्य को समय दिया हुआ है उसको आप विशेष रूप से निरंतरता बनाकर पूर्ण आत्मबल के साथ पूरा करने पर विश्वास जरूर रखें। अब कुछ धार्मिक उपाय बता रहे हैं जिसको आप जरूर करते रहें। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, मां पार्वती की आराधना करना है।
जनवरी के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन चंद्रमा को अनुकूल बनाए रखने के लिए, चूंकि चंद्रमा 27 कला होती है और चंद्रमा 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के अंदर जो भावुक स्वभाव होता है, जो विचारों में खोए रहने की प्रवृत्ति होती है, जो ये शर्मिले होते हैं, जो अशांत होते हैं, जो इनके अंदर घबराहट होती है, उसका कारण चंद्रमा ही होता है। तो यदि आप चंद्रमा को मजबूत बनाएंगे, चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करेंगे, तो शरीर में भी और मानसिक रूप से भी बेहतर संभावना जरूर बनेगी। तो चंद्र को अनुकूल करने के लिए चावल की खीर बनाकर सोमवार के दिन कन्याओं को जरूर खिलाते रहें। खीर बनाने के उपरांत खीर में केसर बिल्कुल भी ना डालें। कर्क राशि वाले जातकों को स्वयं भी सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे दही का सेवन करना चाहिए, चावल, सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, इससे बेहतर स्थितियां निर्मित होगी। अपनी माता का विशेष रूप से आशीर्वाद जरूर लेकर जीवन में चले। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।